पिछले एपिसोड में हमने सुना कि वीरेंद्र जब चांदनी के साथ अपने ऑफिस में बैठा होता है, ठीक उसी समय काशीनाथ सिंह वीरेंद्र से मिलने के लिए वहां पहुंच जाते। काशीनाथ के आने की खबर पाकर चांदनी फौरन वहां से बाहर निकल जाती। इधर काशीनाथ वीरेंद्र के सामने ये रिक्वेस्ट करती है कि वो मिस्टर नेगी की हालत पर तरस खाए और कम से कम निकिता को रिहा कर दे। वीरेंद्र उनसे झूठ बोल देता है कि उसने निकिता को रिहा कर दिया है। चांदनी वीरेंद्र के ऑफिस से निकलकर नैना के ऑफिस जा रही होती है कि तभी रास्ते में निकिता उसे मिल जाती है और जबरदस्ती उसे अपने साथ लेकर कहीं चली जाती है। ईशान जो थोड़ी दूर पर कार में बैठा यह नज़ारा देख रहा था, वो नैना को फौरन फोन करके चांदनी की किडनैपिंग की खबर देता है। अब आगे ईशान का फोन कटते ही नैना तुरंत अपनी सीट छोड़कर खड़ी हो गई। उसने अपना फोन लिया, अपना बैग उठाया और धड़धड़ाते हुए केबिन से निकल गए। सीढ़ियों से नीचे उतरते वक्त नैना ने अपने आप में सोचा, यश को इस बारे में नहीं बता सकती, वरना वो मुझे नहीं जाने देगा। इस समय मेरा जाना जरूरी है। अगर तुरंत कुछ नहीं किया गया, पता नहीं वो निकिता चांदनी के साथ क्या करेगी। यश को तो मैं रास्ते में इन्फॉर्म कर दूंगी, लेकिन अकेले जाना ठीक नहीं है। यहाँ से किसी ड्राइवर को अपने साथ ले लेती हूँ। ऐसा सोचकर नैना ने एक गार्ड को अपने साथ लिया और साथ में बैठकर ईशान के बताए हुए रास्ते पर निकल गए। सामने रोड पर दोनों तरफ से गाड़ियों का काफिला आ रहा था। ये मेन रोड थी और दोनों तरफ से गाड़ियों का आना जाना बराबर लगा हुआ था। इतनी सारी कारों के बीच में चांदनी की कार को तलाश करना भूसे में सुई ढूंढने जैसा था। नैना ने खिड़की से अपना सिर बाहर निकाला और उचक उचक कर सभी कारों को देखने लगी। नैना को ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ी, उसकी ये ट्रिक काम कर गई। और अचानक उसने देखा कि एक कार बहुत तेजी से उल्टी दिशा में आगे की तरफ बढ़ रही है। उसे एक झटके में चांदनी का चेहरा दिखा और उसने फौरन उसे पहचान लिया। उसके बगल में बैठी एक लड़की के हाथ में बंदूक भी थी। नैना को ये समझते देर नहीं लगी कि यह लड़की कोई और नहीं बल्कि निकिता ही है। नैना ने अपने ड्राइवर को कंधे से पकड़कर झंझोर दिया और बोली, सुनो वो है, वो कार, वो जा रही है, व्हाइट कलर की, उसका पीछा करो, चलो चलो जल्दी जल्दी कार घुमाओ और उसके पीछे डाल दो, वो कार आंखों से ओझल नहीं होनी चाहिए। ड्राइवर ने समझदारी दिखाते हुए कार को घुमाया और आगे चल रही कार के पीछे डाल दिया। अब दोनों कारों के बीच बराबर का फासला था। नैना का ड्राइवर बोला, सर प्लीज मेरी बात मानिए, आगे खतरा है, मैंने देखा अभी उस कार में जो लड़की बैठी है उसके हाथ में बंदूक है, मामला रिस्की हो सकता है, आप कुंवर साहब को कॉल कर दीजिए। ड्राइवर की घबराहट देखकर नैना झल्ला गई। वो बोली, ओफो तुमसे जितना कहा जा रहा है उतना करो, मुझे मत समझा, यश को मैं फोन कर लूंगी, लेकिन पहले उस कार को पकड़ना जरूरी है, तुम उस कार पर ध्यान दो, बाकी जो करना है मैं कर लूंगी। आगे वाली कार में बैठी निकिता ने सामने लगे शीशे से देखा कि एक कार काफी देर से उसका पीछा कर रही है। अब दोनों कारें शहर से बाहर आ चुकी थी और ये रास्ता सुनसान था। सड़क पर केवल इक्का दुक्का गाड़ियां ही दिखाई दे रही थी। निकिता ने अपना पीछा करने वाली कार को डराने के लिए सिर बाहर निकाला और पीछे ड्राइवर पर बंदूक तान दी। मौत को सामने देखकर ड्राइवर के तोते उड़ गए। उसने घबराकर नैना से कहा, सर जी वो देखिए उस लड़की ने अपनी रिवॉल्वर हमारी तरफ कर दी, अगर कहीं उसने गोली चला दी तो हम दोनों मारे जाएंगे, मेरी बात मानिए, कुंवर साहब को फोन करिए जल्दी, वरना हम गए काम से। निकिता को गन के साथ देखकर सचमुच नैना भी डर गई थी। एक बार पहले भी वो यश को फोन कर चुकी थी, लेकिन उस समय उसका फोन नॉट रीचेबल था। नैना ने यश को दोबारा फोन लगाने के लिए जैसे ही फोन उठाया, ठीक तभी ड्राइवर ने एक जोरदार ब्रेक मारा और गाड़ी एक झटके के साथ रुक गई। नैना चिल्लाई, अरे कार क्यों रोक दी? लेकिन ड्राइवर की तरफ से कोई जवाब नहीं आया, बल्कि एक लंबा चौड़ा आदमी आकर कार के सामने खड़ा हो गया। नैना इस आदमी को पहली बार देख रही थी, लेकिन परेशानी की बात यह थी कि उसके हाथ में एक मशीन गन थी। नैना कुछ समझ पाती इससे पहले ही सामने खड़े उस गंजे आदमी ने कार के ऊपर गोलियां की बौछार कर दी। नैना तो खतरा भागकर फौरन नीचे झुक गई, लेकिन ड्राइवर इतना खुशनसीब नहीं था। गोलियों की तड़तड़ाहट से नैना के कान सुन्न पड़ गए और थोड़ी देर के लिए उसे ऐसा लगा कि वो मौत के सामने खड़ी है। गोलियों के शोर के दरमियान ड्राइवर की चीख भी रह रह कर सुनाई दे रही थी। और फिर कुछ देर बाद सब कुछ अचानक से थम गया। गोलियों की आवाज़ आनी बंद हो गई और पूरी कार में धुआं धुआं भर गया था। नैना ने अपना सिर उठाया और सामने ड्राइवर की लाश देखकर सहम गई। ड्राइवर का पूरा बदन गोलियों से छलनी हो गया था और जगह जगह से खून के फुव्वारे फूट रहे थे। नैना ने सिर उठाकर सामने की तरफ देखा। वो आदमी जो थोड़ी देर पहले मौत का परवाना बनकर खड़ा था, अब दिखाई नहीं दे रहा था। दहशत में डूबी हुई नैना का बदन सूखे पत्ते की तरह कांप रहा था। वो अपने आप से बोली,
ये क्या हो गया? मुझे फौरन यश को फोन करना होगा वरना मैं मर जाऊंगी। लेकिन नैरा के हाथ अभी फोन तक पहुंचे भी नहीं थे और वो आदमी नैरा के बिल्कुल बगल में आकर खड़ा हो गया। एक झटके के साथ दरवाजा खुला और नैरा कुछ समझ पाती इससे पहले ही बंदूक की बट से उसके सिर पर जोरदार हमला हुआ। नैरा तुरंत बेहोश हो गई। काशीनाथ सिंह के जाने के बाद वीरेंद्र ने एक मीटिंग अटेंड की, लेकिन उस दरमियान भी उसका पूरा ध्यान चांदनी की तरफ लगा हुआ था। चांदनी को निकले हुए काफ़ी समय बीत गया था और अभी तक उसने पहुंचने का कोई कंफर्मेशन नहीं दिया था। मीटिंग जैसे ही ख़त्म हुई वीरेंद्र ने तुरंत चांदनी का नंबर डायल किया, लेकिन चांदनी ने कॉल को डिस्कनेक्ट कर दिया। वीरेंद्र के माथे पर बल पड़ गए। अगले ही पल स्क्रीन पर एक मैसेज चमका, मैं अभी मीटिंग में हूँ, तुमसे बाद में बात करती हूँ। वीरेंद्र ने भी राहत की सांस ली और फोन को एक तरफ रख दिया। नैना ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उसका सिर दर्द से फटा जा रहा था और बदन में इतना भारीपन था जैसे वो किसी चट्टान के नीचे दबी हो। आंख खुलते ही नैना की नजर सबसे पहले सामने खड़े एक ड्रम पर पड़ी। उसने फिर इधर उधर देखा और एक झटके से उठकर बैठ गई। नैना किसी बड़े हॉल नुमा कमरे के बीचों बीच बैठी थी। ये कमरा शायद किसी अंडर कंस्ट्रक्शन साइट का हिस्सा था, क्योंकि चारों तरफ बिल्डिंग मटेरियल रखे हुए थे। फर्श भी अभी पूरी तरह से बनी नहीं थी और गारे मिट्टी की महक से नैना की नाक फटी जा रही थी। अचानक नैना को किसी के पैर दिखलाई दिए और वो उसी दिशा में बढ़ने लगी। अगले कॉर्नर पर नैना चांदनी को देखकर दहल गई। चांदनी के हाथ पीछे की तरफ बंधे हुए थे और उसके मुंह से ढेर सारा खून निकलकर फर्श पर फैल गया था। नैना की आहट पाते ही चांदनी ने अपनी अलसाई हुई आंखें खोल दी। सामने किसी जाने पहचाने शख्स को देखकर चांदनी के चेहरे पर एक हल्की मुस्कुराहट आ गई और उसने दर्द भरी आवाज में कहा, नैना, नैना, ये तुम हो ना? नैना दौड़ती हुई चांदनी के पास पहुंची और उसके बदन को खोलने की कोशिश करने लगी। चांदनी के सिर पर थपकी देकर नैना ने कहा, हाँ हाँ चांदनी, ये मैं हूँ, लेकिन तुम यहाँ कैसे पहुंची और निकिता कहाँ है? चांदनी ने कराहते हुए धीरे से कहा, मुझे नहीं मालूम नैना, वो अभी थोड़ी देर पहले यहीं गई थी, लेकिन अभी दिखाई नहीं दे रही। नैना, मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है, लेकिन तेरे मेरे पेट में लात मारी, मुझे बहुत दर्द हो रहा है नैना। चांदनी की आवाज़ से लग रहा था कि वो जिंदगी और मौत के बीच झूल रही है। उसके हाथ पर रस्सी की जो गांठ बंधी थी नैना उसे खोलने के लिए कड़ी मशक्कत कर रही थी, लेकिन रस्सी इस तरह से बांधी गई थी कि खुल ही नहीं रही थी। नैना ने भर्राए गले से चांदनी को ठाठस बनाया, चुप करो चांदनी, तुम्हें कुछ नहीं होगा, हम दोनों साथ में यहाँ से निकलेंगे, मैं तुम्हें अपने साथ लेकर चलूंगी। नैना चांदनी में उलझी हुई थी कि तभी एक जानी पहचानी आवाज उसके कानों में पड़ी। जाने कहाँ से अचानक निकिता पीछे प्रकट हो गई और बोली, वो तो अब यहाँ से सीधा ऊपर जाएगी। हाँ, तुम्हें उसकी बहुत फिक्र हो रही है ना, तो मैं तुम्हें भी उसके साथ ऊपर भेज देती हूँ। निकिता को देखकर चांदनी का चेहरा सफेद पड़ गया। नैना फौरन चांदनी को छोड़कर खड़ी हो गई और तिलमिलाकर बोली, निकिता, ये क्या बदतमीजी, ये सब क्यों कर रही हो तुम? इस चांदनी ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? इसके मुंह से कितना खून निकल रहा है देख रही हो तुम? जल्दी इसकी रस्सी खोलो और हमें बाहर जाने दो। निकिता ने अपने हाथ में वो ब्लेड पकड़ रखा था जिससे लोहा काटा जाता है। उस ब्लेड को नचाते हुए निकिता ने कहा, अच्छा तो तुम नैना हो, लेकिन तुमने ये सरदार का गेटअप क्यों बना रखा? खैर, जो भी रीजन हो उससे मुझे क्या, मैं तो चांदनी को अपने साथ लेकर आई थी, लेकिन तुम भी इसके पीछे पीछे चली आई, इसलिए अब मुझे तुम दोनों को ही खत्म करना पड़ेगा। सही कहा गया है, जिसकी मौत जहाँ लिखी होती है उसे टाला नहीं जा सकता। बताओ, अब इस बदनसीब के चक्कर में तुम्हें भी अपना बलिदान देना पड़ेगा। नैना ने एक बार चांदनी की तरफ देखा। गुजरते समय के साथ चांदनी की हालत खराब होती जा रही थी। नैना ने गुस्से में निकिता को फटकार लगाई, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया निकिता, और कुछ नहीं, वीरेंद्र की दुश्मनी तुम इसके साथ क्यों निकाल रही हो? वीरेंद्र के ऊपर हाथ उठाने की हैसियत नहीं है तुम्हारी, इसलिए इस बेचारी को टॉर्चर कर रही हो। आखिर इसने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? कैसी लड़की हो यार तुम? अब मैं समझ गई, इसने वीरेंद्र ने तुम्हें छोड़कर इससे शादी कर ली। शट अप नैना, निकिता ने गरज कर कहा, जब कुछ मालूम ना हो तो मुंह बंद रखना चाहिए। इसे तुम बहुत शरीफ समझती हो ना, लेकिन जानती हो इसकी वजह से मुझे कैसे कैसे दिन देखने पड़े, वीरेंद्र ने मेरे साथ कितना गंदा सलूक किया।
अपनी जिंदगी के 40 दिन मुझे मजदूरों के बीच में काटने पड़े। वो 40 दिन मेरी जिंदगी के सबसे भयानक दिन थे। रेप हुआ है मेरे साथ है ना, बहुत बार, हजार बार। मेरे साथ वो हैवानियत की है उन लोगों ने, जो मैं किसी और के लिए सोच भी नहीं सकती। और इन सब की जड़ है ये लड़की। तुमने अभी पूछा ना कि मैंने वीरेंद्र के ऊपर हाथ क्यों नहीं डाला, तो वीरेंद्र को परेशान करने की क्या जरूरत है? वीरेंद्र की जान तो इस चिड़िया में बसती है ना। इस हराम सादी को मैं तिल तिल कर मारूंगी और वो घुट घुट कर मर जाएगा। निकिता अपनी बात खत्म करके चांदनी की तरफ बढ़ने लगी। तभी नैना लपक कर सामने आ गई और बोली, उसके पहले तुम्हें मैं मार डालूंगी। ऐसा बोलकर वो निकिता की तरफ लपकी, लेकिन इससे पहले कि वो निकिता के बदन को छू पाती, एक जबरदस्त घूसा उसके चेहरे पर पड़ा और नैना उछल कर दूर जा गिरी। निकिता ने दांत पीस कर कहा, बेवकूफ लड़की, मर्द के कपड़े पहनकर खुद को हीरो समझने लगी है। इस चूहिया को तो मैं बाद में देख लूंगी, पहले तेरी गर्दन उखाड़ती हूँ। चांदनी ये देख कर चिल्लाने लगी, लेकिन निकिता का उसके ऊपर कोई असर नहीं हुआ। निकिता अपने हाथों में ब्लेड लेकर नैना की तरफ बढ़ने लगी। नैना फर्श पर बेसुध पड़ी हुई थी। नैना और उसकी मौत के बीच केवल कुछ सेकंड्स का फासला था। अचानक ही चांदनी ने बड़ी फुर्ती के साथ निकिता के पैर पे अपनी टांग फंसा दी और निकिता लड़खड़ा कर गिर पड़ी। चांदनी की इस चालाकी ने आग में घी का काम कर दिया और निकिता बिफर पड़ी। वो गुस्से में तिलमिलाती हुई उठी और चांदनी की तरफ जाते हुए बोली, तू बहुत उछल रही है ना चुड़िया, ला पहले तेरा ही काम तमाम कर दूं। चांदनी घबरा कर पीछे की तरफ खिसकने लगी, लेकिन उसके हाथ बंधे हुए थे और पेट में चोट लगी थी। वो ज्यादा दूर तक नहीं जा पाई थी और निकिता ने लपक कर उसकी टांग पकड़ ली। निकिता के हाथ में जो ब्लेड था वो उसने चांदनी की टांग पर रख दिया, लेकिन अगले ही पल एक चमत्कार हुआ और निकिता चिल्ला कर गिर पड़ी। निकिता के गिरते ही चांदनी को पीछे खड़ी नैना दिखलाई पड़ी, जिसने हाथ में लोहे की एक रॉड पकड़ रखी थी। नैना ने तुरंत वो रॉड फेंक दी और चांदनी के बंधन खोलने लगी। जल्दबाजी में उसने कहा, चांदनी चलो जल्दी चलो, ये सिर्फ बेहोश हुई है, इसे कभी भी होश आ सकता है, हमें तुरंत यहाँ से निकलना होगा। क्या नैना चांदनी को अपने साथ लेकर इतनी आसानी से यहाँ से निकल जाएगी? जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम।